प्यारे दोस्तों नमस्कार। सुर संध्या में आप सभी का स्वागत है। सुर संध्या एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर बार हम नए कलाकार को आपके सामने पेश करते हैं। प्यारे दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। मेहनत की जो मेहनत करते हैं और उस मेहनत की स्याही से जो अपने जीवन के पन्ने में लिखते हैं, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। प्यारे दोस्तों, जीवन की कागज वो कभी कोरे नहीं रहेंगे जब आप मेहनत करेंगे और मेहनत की स्याही से लिखते चलिए। तो आज हमारे सामने एक महान हस्ती, संगीतकार और बहुत ही अच्छे गायक भी हैं, सुधीर पाल जी भुवनेश्वर उड़ीसा से आए हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। सुधीर भाई जी नमस्कार, ओम शांति। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया। आपको सुर संध्या प्रोग्राम में बहुत बहुत बधाई हो, स्वागत है। आज हमारे दर्शक आपकी मीठी आवाज सुनने के लिए बैठे हैं, तो चलिए आज हमारे दर्शकों को कौन सा गाना सुनाएंगे? अभी तो इस दुनिया से जाना है, सबको ही एक दिन जाना ही है, तो इसलिए इस पर एक गाना बहुत सुंदर सा आपके लिखे हुए मुझे बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैंने उसको भी तर्ज पे बिठा दिया। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा ही उजियारा है। प्यारे दोस्तों, मैं बता दूँ, इस दुनिया में हर एक इंसान मुसाफिर है और वो मुसाफिर एक बार सफ़र पूरा करके अपने घर लौट जाता है। वो कहते हैं ना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, बस चलते ही जाना। कांटे आएंगे, पत्थर आएंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है। इस गाने में भी यही प्रेरणा हमें मिलता है। लेकिन इससे पहले मैं सुधीर भाई से पूछना चाहूँगा, सुधीर भाई, हमारे दर्शक जो हैं, बहुत सारे दर्शक ऐसे चाहते हैं कि वो भी गाना गाएं, तो आप तो इतने बड़े संगीतकार हैं, बहुत सारे गाने भी बनाए हुए हैं, हमारे दर्शक कुछ टिप्स दीजिए कि गाने किस तरीके से अभ्यास करने से, जो आप रियाज करते हैं, हम क्या अभ्यास करें जो हमारी अपनी आवाज़ को मीठा बना सकते हैं? एकदम सहज सी बात है, गीत और कुछ है ही नहीं, सुर पे बातें करना उसको ही गीत कहा जाता है। एक कहावत भी है संगीत में, लाख गान एक तान, लाख तान एक सुर। इसका मतलब ये होता है, तो एक सुर, सुर अगर पकड़ में आ जाए तो गीत गाना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई भी गा सकता है गीत, भले किसकी आवाज़ मोटा हो किसकी पतली हो, लेकिन हर कोई गीत भी गा सकते हैं। हर कार्य के लिए शुभ या ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा ही होता है, इसलिए अमृत वेले से उठ के फिर उसी वक्त आप आराम से बैठ जाइए, सीधे बैठिए और रिलैक्स होके, जैसे कि हम दीर्घ सांस लेते हैं ऐसे करके बैठिए, एकदम रिलैक्स महसूस करके फिर ओम ध्वनि का प्रैक्टिस कीजिए। कितने समय ओम ध्वनि करना चाहिए? जैसे कि अपने वॉइस आवाज, पहले आप सबको ये भी अनुभव है, जैसे कि सुबह उठते ही वॉइस कांपता है, स्थिर नहीं रहता है, ऐसे ही होता है। जब तक वो स्थिर ना हो जाए तब तक रिलैक्स होके सांस लेते हुए आराम से हमको करना चाहिए। भले किसी को 5 मिनट में किसका आवाज स्थिर हो जाता है, किसका 10 मिनट लगता है, किसका आधा घंटा लग जाता है, जितना हो सके हम टाइम लें और ओम ध्वनि की प्रैक्टिस करें। प्यारे दोस्तों, हमने एक टिप सुना कि सुधीर भाई जी से कि ओम ध्वनि लगाने से आवाज़ मीठी हो जाती है, तो चलिए सबसे पहले एक गाना सुनते हैं और भी बहुत सारी बातें सीखेंगे। ट्रैक प्लीज। मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है, मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। तूफा को तोहफा बना दो, मिला जीवन सुनहरा है। तूफा को तोहफा बना दो, मिला जीवन सुनहरा है। मैं मुसाफिर उन राहों का
जहाँ उजियारा उजियारा है। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। जीत है मेरी मंजिल बड़ी सुहानी है, सौंप दिया जीवन प्रभु को सारी जिंदगानी है। कांटों को मैं फूल बना दूं परमात्मा ज्ञान सुनाए, दुखियों को मैं सुखी बना दूं योग की शक्ति फैलाए। सफलता ही सफलता है महामंत्र ये मेरा है। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। रहना खुश करना प्रभु का यही है कहना, मुरझाओं को है खिलाना कर्म यही अब करना। पुण्य की पूंजी से झोली भर लूं सतयुग में अब जाना है, पवित्रता को धारण करके प्रभु का प्यार लुटाना है। कदम कदम जब साथ प्रभु का हर पल तो अपना सवेरा है। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। तूफान को तोहफा बना दूं मिला जीवन सुनहरा है। तूफान को तोहफा बना दूं मिला जीवन सुनहरा है। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। मैं मुसाफिर उन राहों का जहाँ उजियारा उजियारा है। प्यारे दोस्तों, सचमुच हम एक मुसाफिर हैं। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिर के भी संभलना है, लेकिन वो मंजिल है हमारी जहां उजाला ही उजाला है, आत्माओं की देश, परम धाम, परमात्मा के पास हम सभी को जाना है, फिर एक नई दुनिया में आना है। इस गाने में सुधीर भाई ने अपनी मीठी आवाज़ से यही प्रेरणा दी, मंजिल हमसे दूर नहीं अगर कदम उठते रहेंगे। वो कहते हैं ना, अरे भाई जितना हो सके कोशिश करो उड़ते रहो, अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ते रहो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलते रहो, अगर चल नहीं सकते हो तो खिसकते रहो। क्योंकि जब हम कार्यरत रहेंगे, कदम बढ़ाते रहेंगे, तो हमसे सफलता कभी दूर हो ही नहीं सकता है। सुधीर भाई, आपने बहुत अच्छा गाना गाया कि मैं मुसाफिर, आपकी आवाज़ में बहुत मिठास है।
और हम चाहते हैं हमारे दर्शक अगर ओम ध्वनि वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे जैसे आपने कहा, उनकी आवाज़ भी मीठी हो जाएगी। आप रियाज कब करते हैं? सुबह अमृत वेला। अमृत वेला और भी कोई टाइम है रियाज करने का या सिर्फ सुबह ही करना चाहिए? ऐसे नहीं, हम सुबह ही प्रैक्टिस करते हैं, बाकी जिन जिनको टाइम नहीं मिलता है फिर दिन भर किसी समय भी कर सकते हैं निकाल के, और शाम का टाइम भी अच्छा होता है। अब मैंने सुना है कि आप बहुत सारे स्कूल में टीचर हैं, प्रिंसिपल रहे हैं संगीत, तो आप जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो उसमें आध्यात्मिक कुछ बातें बताते होंगे? जरूर। उसमें खास क्या बात बताते हैं? पहले सुर होता है, जैसे ही बोलते हैं संगीत के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सुर, जब सुर एकदम लग जाता है, एकटक हो जाता है, तब हमारा जो बुद्धि है ना एकाग्र हो जाता है और बुद्धि ईश्वर की तरफ चला जाता है। अगर किसी को उसी समय ईश्वर की पहचान दे दिया जाए तो तुरंत परमात्मा की परिचय उनको मिल जाता है, और जैसे कि बोलते हैं ना बाण चलाना सही समय पे, तो उसको एकदम लग जाता है। आपके कहने की भाव है अगर हम गीत सीखना चाहते हैं प्यारे दोस्तों तो हमारी बुद्धि भी एकाग्र होना चाहिए और परमात्मा की याद अगर हम शामिल कर लें अपने जीवन में अपने मन में, सचमुच हम बहुत अच्छे गीत गा सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम परमात्मा को याद करते हैं लेकिन उसके सही तरीका सही ढंग से किसी व्यक्ति की जब पहचान होती है, जब हम उनको जानते हैं और इशारा करके बुलाते हैं तो वो हमारे पास आता है। तो परमात्मा की सही पहचान अगर हमें है, ऐसे नहीं कि पत्थर ठिकर भीतर सब जगह में है, परमात्मा को अगर हम सही जगह से हम जानते हैं वो कहाँ रहता है, कब आता है, क्यों आता है और मेरा रिश्ता उससे क्या है, ये जब सारे संबंध से हम उनको याद करते हैं तो सचमुच हमारा जीवन भी संगीतमय हो जाएगा। सुधीर भाई मैं पूछना चाहूँगा, आप भी ओडिशा से, मैं भी ओडिशा से हूँ, तो आप जब ओडिशा में आप रहते हुए, मैं तो अपना अनुभव बताऊँगा लेकिन मैं बताऊंगा कि आप जब ओडिशा में रहते हुए हिंदी गाने की धुन बनाते हैं तो उसमें कुछ मुश्किल कुछ कोई कोई बातें आई होगी आपकी? जैसे कि दूसरों को कोई लैंग्वेज दूसरा लैंग्वेज हो तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमें तो ये सहज बना दिया परमात्मा शिव बाबा ने, क्योंकि उनकी जो वाणी आता है जिसको हम मुरली बोलते हैं, मीठी मुरली, वो हिंदी में ही आता है। बहुत अच्छी बात है, मैं बीच में रोका, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मीठी मुरली परमात्मा की महावाक्य हम सुनते हैं और मुरली सुन सुन के हमने ये गीतों की रचना की और सुधीर भाई ने इनको धुन बनाया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हैं, आप बधाई के पात्र हैं आप। तो चलिए अगला गाना जो हम सुनते हैं प्यारे दोस्तों, जीवन के सहारे, प्यारे प्रभु एक तुम ही हो, ट्रैक प्लीज। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे, मन के मीत तुम्ही हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे, मन के मीत तुम्ही हो। सांस तुम्ही हो, प्राण तुम्ही हो, सांस तुम्ही हो, प्राण तुम्ही हो, धड़कन तुम्ही हो, तुम्ही हो। जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे, मन के मीत तुम्ही हो।
से कभी भी कोई न पूछे अपना तुमने बनाया, तेरी यादों में सुख अनुपम हर पल हमने पाया। दिन रात तू ही गीत होठों पे, दिन रात तू ही गीत होठों पे, बोल तुम्हीं हो तुम्हीं हो, जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे, मन के मीत तुम्हीं हो। उंगली पकड़ के राहों में तेरी हमको चलना सिखाया, भूले हुए हैं तन के नाते जब से तुमको पाया, तेरे आँखों के तेरे आँखों के नूर है हम, मेरे दिल के दिल हो, जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे, मन के मीत तुम्हीं हो, जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे, मन के मीत तुम्हीं हो, श्वास तुम्हीं हो, प्राण तुम्हीं हो, श्वास तुम्हीं हो, प्राण तुम्हीं हो, धड़कन तुम्हीं हो, तुम्हीं हो, जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे, मन के मीत तुम्हीं हो, जीवन के सहारे प्यारे प्रभु मेरे, मन के मीत तुम्हीं हो, मीत तुम्हीं हो, गीत तुम्हीं हो, बाबा हे प्रभु मेरे ईश्वर, संगीत तुम ही हो। इस गाने में सुधीर भाई जी ने अपनी मीठी आवाज़ से दिल के तरंगों को फैला दी है। प्यारे दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा सुर संध्या एक ऐसा प्रोग्राम है सिर्फ आध्यात्मिक संगीत के साथ परमात्मा को कैसे याद करें और जीवन को सरल, कठिनाइयों में भी हम जीवन को सरल और खुशनुमा कैसे बनाएं। बहुत अच्छा, हमारे सुधीर भाई जी ने बहुत मीठे मीठे गाने सुना रहे हैं। अगला गाना कौन सा सुनाएंगे? वही प्यारे शिव बाबा के, जो अच्छे शब्द से आपने उसको रचा है उसको ही मैंने तर्ज पे बिठाया हूँ। प्यारे बाबा आपके कदमों पे हम चलते ही रहेंगे, क्योंकि उनके ही कदमों पे चलें तो ये जिंदगी ही सवर जाएगी। दोस्तों मैं ये बता दूँ, संगीत के सफ़र जब हम मिल के शुरू किए हैं वो है 1998, और ये जो सीडी बना मुरली की धुन जो आपने सुना, ये पहला सुधीर भाई की आवाज़ रिकॉर्ड है हिंदी गाना, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किया इसके बारे में। कहते ना, मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी वो सपना अधूरा नहीं रहते हैं, और सचमुच आज देश विदेश में जाके सुधीर भाई अपना प्रोग्राम भी देते हैं
और भारत में अनेक जगह पर अपनी मीठी आवाज से दिलों को जुड़ाते हैं और गम को मिटाते हैं। बहुत अच्छी बात है प्यारे दोस्तों, ये जो गाना अभी हम सुनने जा रहे हैं, प्यारे बाबा आपके श्रीमत के कदम पर अगर हम चलते हैं सचमुच ये जिंदगी सुनहरी हो जाती है और इतनी खुशियाँ मिलती हैं। आप मुस्कुराएंगे जग भी मुस्कुराएगा, आप हंसेंगे तो जग भी हंसेगा, आप चलेंगे तो जग भी चलेगा। तो अभी वक्त आ चुका है, सूरज उदय हो चुका है, ज्ञान का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है, हम चलते चले नई राहों की ओर और नई मंजिल की ओर। चलिए सुनते हैं इस गाने को, ट्रैक प्लीज। सारी दुनिया तेरे पास हम रहे, प्यारे बाबा आपके कदमों पे हम चले, प्यारे बाबा आपके कदमों पे हम चले। से फैले दी
दिव्य गुणों की सुवा संकल्प हो पावन वाणी में हो मीठास अंतःकरण से तन मन समय संकल्प जीवन सफल करे भूल के सारी दुनिया तेरे पास हम रहे प्यारे बाबा आपके कदमों पे हम चलें भूल के सारी दुनिया तेरे पास हम रहें प्यारे बाबा आपके कदमों पे हम चलें प्यारे बाबा आपके हम चलें प्यारे बाबा आपके कदमों पे हम चलें प्यारे बाबा आपके कदमों पे हम चलें। बहुत अच्छा सुधीर भाई, बहुत मीठा गाना गाया। थैंक यू। प्यारे बाबा वो कहते हैं ना, तुम दो कदम चलो वो हजार कदम से आपके पास आ जाएगा और मदद करेगा। किसी ने कहा, भाई तुम क्यों ये कर रहे हो? तुम वो कहता है कि मेरा तो दो हाथ है, क्या कर सकता हूँ। बोलता है, मैं जिसके साथ हूँ उसका हजार भुजाएं हैं। तो सचमुच हजार भुजाएं वाला पोप परमात्मा सर्वशक्तिमान भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा, वो अगर एहसास हो जाए दिल को कि वो मेरा साथ है और उसके श्रीमत पर उसके अनुसार श्रेष्ठ कार्य में अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन पद्मों की कमाई करने लग जाता है। सुधीर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मीठा गाना गाया। प्यारे दर्शकों, मैं बता दूं, यूं ही हमारा सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और सुधीर भाई को फिर से मैं निमंत्रण दूंगा, यूं ही सुर संध्या प्रोग्राम में आते रहिए और आपके स्टूडेंट भी जितने हैं कलाकार हैं उनको भी लेकर आइए सुर संध्या में और यूं ही गुनगुनाते रहेंगे हम भी आप भी। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आज की सुर संध्या में हम आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।